में मन्नत और सुभान दोनों मुश्किल में फंस गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मन्नत और सुभान। और इसका इल्ज़ाम किस पर लगा है? ऑब्वियसली इबादत पर। अब न जाने क्यों मुझे ऐसे हाथ में खुजली हो रही है, ये जो सब किया धरा है ना, ये है मन्नत की ही कारिस्तानी। जिसका समय बुरा चल रहा होता है उसके लिए तो कोई कुछ भी क्या ही कर सकता है। इन दिनों अगर हम बात करें इबादत की तो उसका टाइम ना सच में खराब चल रहा है। अब देखिए सुभान और मन्नत नीचे खड़े हैं और ऊपर से ही गमला गिरता है नीचे की तरफ और ऊपर उसी वक्त इबादत आ जाती है सुभान को उसका पर्स देने के लिए। अब नीचे वालों को तो यही लग रहा है कि इबादत ने जानबूझकर मन्नत पर गमला फेंक दिया है। इबादत को तो मतलब बहुत सारे लोग मिलके फूल बना रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ अब मैं, अगस्त में भी अगस्त फूल बन रही हूँ। 365 डेज फूल है इबादत। बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग। और मन्नत, निगार, गुलनाज दादी सब मिले हुए हैं इसमें। मतलब एक टाइमिंग का खेल होता है ना, इन लोगों को तो मतलब अवार्ड मिलना चाहिए। जबकि क्या सच है ये आप साफ साफ देख सकते हैं। अब मन्नत के साथ पूरे घर वाले मिले हैं। देखा जाए तो इबादत अब एकदम से अकेली पड़ गई है। मन्नत की चाल हर दिन कामयाब होती जा रही है। एक टाइम पे गुलनाज दादी ने बोला कि ये सुभान का वॉलेट है, वो नीचे है, जा रहा है, उसको रोको। इबादत खिड़की के वहाँ पहुँचती है। मीनवाइल सुभान नीचे से जा रहा है, मन्नत ने उसे रोका, बातों बातों में उलझाया। उसी टाइम पे निकार को इशारा किया, निकार ने गमला नीचे की तरफ खींचा और इबादत का बालकनी में आना, गमले का गिरना, मन्नत का गिरना, सुभान का देखना कि बालकनी में इबादत थी। ओह माय गॉड, दिस इज़ टू मच। मैं क्या बोलूँ, मैं से ये सुन के ही मुझे बहुत हेक्टिक फील हो रहा है, पर हमने किया है और आप देखेंगे इट वॉज़ अ वेरी नाइसली शॉट सीन। अब इबादत अगर हम आपसे कहें तो अपने आप को आप तो बहुत ही तेज समझती थी, सच्चाई को हमेशा सच की तरह परोसती थी, लेकिन वो क्या है ना, सीधे इंसानों का ये जमाना नहीं है। टेढ़े इंसान को सीधा करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब अगर मन्नत दो कदम चलती है तो आप चार कदम चलिए। इस सुभान को क्या, वो तो वही देखता है जो उसको बाकी सब दिखाते हैं। इसीलिए कि किसी के बारे में अब बिल्कुल मत सोचो। आप ये सोचो कि आपको हर पल मन्नत से कैसे बचना है। मन्नत का जुनून, मन्नत की मोहब्बत, मन्नत की आशिकी होता है ना, एक जुनून, एक पागलपन हो चुका है अब। और वो कुछ भी कर सकती है उसको हासिल करने के लिए। उसको पता है कि मतलब है रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, बट शी इज रेडी टू टेक द रिस्क। पर अभी तक इबादत को ये नहीं पता है ना कि किसने किया है ये, तो वो ट्रैक करने की कोशिश करेगी। और जरा ये भी पता लगाइए कि मन्नत का साथ कौन कौन दे रहा है। एक घर वालों के अलावा बाहर का भी एक इंसान है जो उससे मिला हुआ है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।